विकास कार्यों के लिए समय पर राशि भुगतान नहीं होने से मोहला मानपुर के ग्राम पंचायतों के सरपंचों में जबरदस्त आक्रोश। सरपंचों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। पेश है हमारे राजनांदगांव ब्यूरो गणेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कई बार ज्ञापन देने के बाद किस कार्रवाई किस प्रकार की कर रहे हैं आप? आज जो ऋषि जी सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने ज्ञापन दिया। पहले भी एक बार हम लोगों समिति ने निवेदन किए थे, बताया था कि LWE की जो राशि है निर्माण होने का अभी नहीं मिला, क्योंकि ये जिला स्तर से इसका मिला मिलता है जिला स्तर पर, हम जिला में पूरा प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर भेज चुके हैं डिमांड के लिए। जैसे वहाँ से डिमांड राशि आएगी तो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। तो वहाँ से राशि क्यों नहीं आ पा रही है? तो क्यों मिला रही है तो जिला स्तर की बात है, जिला स्तर से ही उसको समाधान होगा, है ना। हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और बार बार हम डिमांड कर रहे हैं कि अब क्यों होती है राशि भेजने के। आपके सरपंच लोगों ने काम करवा चुका है, सारा काम हो चुका है और व्यापारी से प्रताड़ित हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग मुझे काफ़ी प्रेशर बना रहा है जिससे सरपंच काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो आप इसके आगे क्या करेंगे इसके लिए? वही है जो अभी बताया, विशेष करके जो LWE है और फिर मद जैसे मनरेगा है, इसमें काम तो हो रहा है, काम समय पर हो जा रहा है, लेकिन समय पर शासन से राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इस कारण समस्या हो रही है। हमारे तरफ से पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग जैसे मनरेगा के मनरेगा का काम पूर्ण होते ही RTGS के माध्यम FPO के माध्यम से हम लोग जारी कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, लेकिन जैसे राशि राज्य से आती है रिलीज होता है उसके बाद ही राशि उसके खाते में भुगतान करते हैं। जैसा कि मैंने अभी सरपंच अध्यक्ष जी से बात किया है ऋषि जी से, उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम व्यवहार से आंदोलन चालू करेंगे, भूख हड़ताल चालू करेंगे, तो इसके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या उन्हें उनकी मांग मानी जाएगी? जो बातें हो रही है उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है तो निश्चित हम कलेक्टर महोदय को SDM साहब को अवगत कराएंगे, ऐसे उनके द्वारा मांग किया जाए, क्योंकि जो राशि आना है जिला से ही आना है, जिला स्तर से जो आएगी उसके बाद ही उनको रिटर्न किया जाएगा, दे दिया जाएगा, तो हम इसके संबंध में SDM साहब और अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे और हमारी ओर से यह प्रयास रहेगी कि भाई समझाएंगे या सरपंच को महोदय बोले समझाएं कि ये जानते भी हैं कि राशि जिला से भी है, हमारे हाथ में रहता तो हम सब के देख में रहता है, ये सब उनको मालूम है, फिर भी अपनी मांग रखने हैं, अपने मांग के लिए जो लोग स्वतंत्र हैं वो कर सकते हैं। ये थे हमारे गोपाल सिंह, श्री गोपाल सिंह पवार जी, मुख्य कार्यपालन की जनपद पंचायत मोहला सरपंच राजन कुमार जुरेसिया तथा सारे सरपंच लोग यहाँ पे जमा हुए हैं तथा इन्होंने विधायक जी से अपनी मांग की है। आपने विधायक जी से किस तरह की मांग की? हम लोग सरपंच संघ के माध्यम से हमारे मोहला मानपुर के विधायक इंद्र साहब मंडावी जी हमारा क्षेत्र का प्रमुख आदमी है, प्रथम नागरिक है अपने विधानसभा का, तो हम चाहते हैं कि मोहला ब्लॉक के सभी सरपंच ग्राम पंचायत में जितना भी निर्माण कार्य है वो जितने भी मद है उसको अवगत करा चुके हैं, ताकि वो विधानसभा हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अवगत करा सके, ऐसे करके आज के बैठक में हम लोग उसके पास बात रखे हैं। आपने ये कितने दिन पहले आपने उन्होंने के संबंध में आपने जानकारी दी थी विधायक महोदय? समय समय में हम लोग विधायक महोदय साहब मिलते हैं और उसके सामने हम चर्चा भी रखते हैं कि हमारा क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत के सरपंचों को भारी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सामान हम व्यापारी से ही लेते हैं, दुकानदारों से ही, और जब निर्माण कार्य हो जाता है उसके बाद फिर मूल्यांकन सत्यापन के लिए हमको यहाँ घूमना पड़ता है, इसको भी अवगत करा दिए हैं, तो अभी हमारे विधायक जी बोले हैं कि जितने भी सत्यापन मूल्यांकन जो ग्राम पंचायत में बचा है उसका लिस्ट हमें दे दीजिए करके बोला है, अभी हम लोग उसके निवास में जाकर फिर से हम लोग और अवगत कराएंगे। आपकी मांग यदि पूरी नहीं हो पाती है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग सीओ साहब को ज्ञापन दे चुके हैं आज 16 तारीख को, यदि एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार तक यदि डिसीजन कुछ नहीं लेते तो हम लोग सोमवार को हम लोग हड़ताल में बैठेंगे। ये सर्वेयर के लिए कौन जवाबदार है? इसके जवाबदार है शासन प्रशासन होगा
और जनपद पंचायत तो मोहल्ला के सीओ से हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो अपना हमारे बात कलेक्टर महोदय तक अवगत करावे। आपके क्षेत्र के विधायक होने के बाद कारण और इतना लेट क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? हम लोग जब जब विधायक से बात करते हैं तो मैं आगे कलेक्टर से बात किया हूँ, मंत्रालय में बात किया हूँ, तो फंड के अभाव के कारण लेट हो रहा है ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन शीघ्र ही जल्दी हो आएगा करके बोल रहे हैं। अब देखो, अब यदि एक हफ्ते के अंदर नहीं आया तो हम लोग तो हड़ताल बैठेंगे, क्योंकि दो महीने के बाद हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है और आचार संहिता लगने वाला है, तो हम हड़ताल बैठेंगे। फंड का अभाव किस कारण हो रहा है? फंड का अभाव जो भी मत में हम लोग बोलते हैं कि जैसे बस्तर विकास, LWE, मनरेगा, पैसा डाले ही नहीं है बोलते हैं, तो हम किसको, कलेक्टर साहब को ही हम लोग वो करेंगे, दूसरी हम दूसरी ठहरा रहे हैं। जनपद पंचायत के राजेंद्र कुमार जुरीशे जी थे जो संघ के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ये जो जानकारी दी है तथा आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहेंगे, और सारे सरपंच आक्रोशित दिख रहे हैं इस एरिया के, तथा मैं शासन से भी अप्लाई करूंगा कि इनकी मांग को मानी जाए। आपको क्या कहना चाहिए और आखिरी कुछ कहना चाहिए क्या? हम आखिरी बात यही कहते हैं कि हम लोग, हमारे दो महीने कार्यकाल बचा है, समय अवधि पे हमारा सब चीज राशि अगर जनपद पंचायत मोहल्ला में आता है तो हम लोग समय सीमा पे सब चीज़ हम लोग चेक कटवा के जितने भी उधारी या किसी को दिए हैं लिए हैं उसका लेन देन हम पूरा कर सकेंगे समय में। हम यही शासन से और कलेक्टर और जिला सीओ से यही अपेक्षा चाहते हैं।